students welcome back this is the 15th video of the first chapter in chemistry for class 10 and the topic is effects of oxidation reaction there are mainly two effects of oxidation reaction in our day to day lives the first one is corrosion and second one is rancidity corrosion corrosion means oxidation of metal अगर कोई भी मेटल का ऑक्सीडेशन हो रहा है मतलब उस मेटल का कोरोजन हो रहा है जैसे आप देखते होंगे कि घर में जो स्टील से बने हुए चीज़ है या कोई भी मेटल से बने हुए चीज़ है वो तुरंत कुरोड हो जाता है जंग लग जाता है उस पर तो हम उसको क्या कहेंगे कोरोजन हुआ है उसका कोई भी मेटल का अगर ऑक्सीडेशन होता है तो वो क्रोजन कहलाता है लेकिन अगर आयरन का ऑक्सीडेशन हो तब उसका स्पेशल नाम होता है रस्टिंग ध्यान दीजिएगा कोई भी मेटल का ऑक्सीडेशन हो तो कोरोजन कहलाता है लेकिन अगर वो मेटल आयरन है तब हम उस कोरोजन के लिए स्पेशल टर्म यूज करते हैं रस्टिंग हम डिफाइन कर सकते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन इज कॉल्ड रस्टिंग एंड ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल इज कॉल्ड कोरोजन रस्टिंग इज अ स्पेशल केस ऑफ कोरोजन। मतलब रस्टिंग कोरोजन ही है लेकिन कोरोजन का स्पेशल केस है क्योंकि रस्टिंग सिर्फ आयरन के लिए बना हम ये नहीं कह सकते कि स्टील रस्ट हो गया हम ये नहीं कह सकते हैं कि कॉपर रस्ट हो गया अलमिनियम रस्ट हो गया लेकिन हमें जरूर कह सकते हैं कि आयरन रस्ट हो गया आयरन का कोरोजन होना मतलब आयरन का रस्टिंग होना ये आयरन के लिए ही वर्ड डिफाइंड है अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर आयरन कैसे क्रोड होता है मतलब आयरन का क्रोजन यानी रस्टिंग कैसे होता है तो आयरन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है और कुछ मॉलिक्यूल्स वाटर का रहता है ये वाटर मॉलिक्यूल्स फिक्स्ड नहीं रहते हैं वेरिएबल होते हैं वो डिपेंड करेगा सिचुएशन पर डिपेंड करेगा टेम्परेचर पर वो डिपेंड करेगा कितना बड़ा आयरन का रॉड है छोटा है बड़ा है मोटा है पतला है उस पर डिपेंड करेगा ये कितना अमाउंट में वाटर यूज़ करता है तब ये रस्ट कर जाता है ये रस्टिंग का फॉर्मूला हो गया अब हम इसको बैलेंस करते हैं तो यहाँ एक्स एच टू है यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन थ्री है ध्यान दीजिएगा इस थ्री को पहले हम इवेंट बनाते हैं टू से मल्टीप्लाई करके यहाँ टू लिख देते हैं तो ये क्या बन गया ऑक्सीजन सिक्स तो हम यहाँ पर थ्री देंगे तो ये बन गया सिक्स अब इसके बाद ये देखिए इस एच टू एक्स एच टू कितना बन गया टू एक्स एच टू तो यहाँ पर हम टू डाल दिए फेरस कितना बन गया फोर तो यहाँ पर हम फोर डालेंगे तो इस तरह से ये बैलेंस्ड हो गया ये है रस्टिंग का फॉर्मूला ये है रस्टिंग का प्रोसेस नेक्स्ट रैंसिडिटी ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल इन फूड इज कॉल्ड रैंसिडिटी मतलब हमारे पास कोई ऐसा फूड हो जो ऑयल से बना है फैट से बना है घी से बना है अगर उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है मतलब रैंसिडिटी हो रहा है आप देखे होंगे कि जो लेज कुरकुरे ये सब जो होते हैं वो पैक्ड होते हैं फुले हुए होते हैं इन सब के पीछे भी कुछ रीज़न है मतलब जैसे ध्यान दीजिए कुछ तेल से बना हुआ चीज़ है अगर आप ओपन में रख दीजिए या फिर आप कुरकुरे का ही पैकेट फाड़िए दो चार कुरकुरे खाइए और कुछ को ऐसे एयर में छोड़ दीजिए तो कुछ समय के बाद उसका टेस्ट बदल जाएगा हम उसको कहेंगे कि उस फैट या आयल कंटेनिंग फूड यानी कुरकुरे का ऑक्सीडेशन हो चुका है यानी कि वो कुरकुरे रैनसिड हो चुका है और इस प्रोसेस को हम रैनसिडिटी कहेंगे तो उसे बचने के लिए रैनसिडिटी से बचने के लिए बहुत सारे उपाय हैं पहला पहला प्रिवेंशन है बाय एडिंग एंटी ऑक्सीडेंट्स लाइक बी एच टी एंड बी एच ध्यान दीजिएगा अगर हमको रैंसिडिटी से बचाना है फूड को कौन से फ़ूड को वो फूड जिसमें ऑयल या फैट हो तो उसके लिए हमको बी एच टी या बी एच ए नाम का केमिकल आता है वो अगर हम उसमें मिला दें तो फूड बच जाता है रैनसिड होने से यानी ये दोनों एंटी ऑक्सीडेंट्स है फ़ूड को ऑक्सीडाइज होने से बचा देता है बी एच टी ब्यूटाइलेटेड हाइड्रॉक्सी टॉल्यून इसका फुल फॉर्म मैं लिख देता हूं ब्यूटाइलेटेड हाइड्रॉक्सी टॉल्यून और बी एच ए का फुल फॉर्म हो जाएगा ब्यूटाइलेटेड ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी यही हाइड्रोक्सी और ए का मतलब एनीसोल ये फुल फॉर्म है ये दोनों है क्या तो एंटी केमिकल्स है जो फैट कंटेनिंग फूड को रैंसिड होने से बचाता है ये दोनों एंटी ऑक्सीडेंट्स सेकेंड प्रोसेस प्रिवेंशन करने का रैंसिडिटी से बाय पैकेजिंग ऑयल एंड फूड फैट कंटेनिंग फूड इन नाइट्रोजन गैस मतलब जिस फूड में ऑयल या फैट होगा उस फूड को हम पैकेज कर देंगे किस में नाइट्रोजन गैस में जैसे वही कुरकुरे या ले जाता है वो फुला हुआ है देखे होंगे आप आप जो दस रुपये या पाँच रुपये का कुरकुरे का पैकेट खरीदते हैं तो वो फुला हुआ दिखता है तो दिमाग में कभी कभी आता होगा क्या कि उसमें रहता है कम मटेरियल फुला देता है इसलिए ताकि लोगों को लगे ज़्यादा है तो ये नहीं है ये रीज़न नहीं है उसके पीछे साइंटिफिक रीज़न है कि उसमें ये नाइट्रोजन गैस भरा रहता है इसलिए वो फुला हुआ रहता है तो क्यों भरा रहता है उसमें नाइट्रोजन तो गैस भरने से क्या होता है कि उस फूड का यानी कि कुरकुरे लेज चिप्स का ऑक्सीडेशन uh, नहीं होता यानी कि वो रेंसिड नहीं होता यानी उसका टेस्ट खराब नहीं होता नहीं तो रखा रखा उसी में टेस्ट खराब हो जाएगा थर्ड बाय कीपिंग सच फूड ऐसे फूड जिसमें आयल या फैट कंटेंट हैं बाय कीपिंग सच फूड इन रेफ्रिजरेटर अगर इस तरह से बने फूड को हम रेफ्रिजरेटर में रखेंगे तो बच जाएगा अब ऐसा नहीं कि आप कुरकुरे या लेज को ले जाकर रेफ्रिजरेटर में रखेंगे ऑयल और फैट में सिर्फ कुरकुरे लेज ही नहीं आता है बहुत सारे फूड आइटम्स आते हैं by स्टोरिंग सच फूड इन एयर टाइट कंटेनर्स इस तरह के फूड को अगर हम ऐसे कंटेनर में डाल दें जिसमें एयर नहीं जा सके तो फूड को बचाया जा सकता है अचार उसका एग्जाम्पल अचार को देखते होंगे बहुत सालों तक बचा कर रखते क्योंकि उसको बंद कंटेनर में रखते हैं अच्छे से तो ये रहा आपका फिफ्टींथ वीडियो डेयर स्टूडेंट्स आपका केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेसन्स इसी वीडियो से खत्म हो चुका है ये लास्ट टॉपिक था आपका rancidity. इस क्रोजन से बचने के लिए उपाय भी होते हैं ये सभी आपको अगले चैप्टर्स में पढ़ने हैं तो ये आपका फिफ्टीन वीडियो जो कि लास्ट वीडियो है इस चैप्टर का अब आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि इस वीडियो के बाद तो पहले मैं कुछ प्रैक्टिस सेट दूंगा और इसके बाद आप मुझे बताएंगे कमेंट करके कि मैं सेकेंड जो बनाऊँ वो फिजिक्स का बनाऊँ या केमिस्ट्री का बनाऊँ यानी कि एक एक चैप्टर फिज़िक्स और केमिस्ट्री का ख़त्म हो चुका है तो सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करना है तो पहले मैं केमिस्ट्री का बनाऊँ फिजिक्स का बनाऊं? मैं देखना चाहूँगा आप लोग कितने स्टूडेंट्स केमिस्ट्री uh, या फिजिक्स को पहले सेलेक्ट करते हैं थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो